दोस्तों आज हम पहुँचे हैं नरसिंहगढ़ तहसील के ग्राम कोरकोटरी में, जहां हम आपको अवगत कराएंगे डॉक्टर दिलीप जी सोनगरा जी से, जो BHMS कर भोपाल से बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से आकर BHMS होम्योपैथिक क्लिनिक ओपन किया है, जहां पर विभिन्न बीमारियों का इलाज आपको बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के और रिज़ल्ट तुरंत और लंबे समय के लिए बेटर रिज़ल्ट के लिए आपको बताएंगे कौन कौन सी दवाई या किस प्रकार से लेना चाहिए। आप देख सकते हैं जो समय चल रहा है वर्तमान समय में, विभिन्न एलोपैथिक दवाइयाँ विभिन्न प्रकार के नुकसान दे रही है, जैसे कि कैंसर, लीवर, गैस, एसिडिटी, विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ हो रही है एलोपैथिक दवाइयों से। तो हम एक पहल शुरू कर रहे हैं, आइए होम्योपैथिक की ओर चलते हैं और जो होम्योपैथिक डॉक्टर है उनसे रूबरू होते हैं किस प्रकार से कौन कौन से दवाइयाँ लेनी चाहिए। सर आपका नाम क्या है? डॉक्टर दिलीप सोनगरा। आपने कब से क्लिनिक ओपन कर रखा है, क्या क्या दवाई और किस प्रकार से दवाइयों का सेवन करना चाहिए? मेरा जो क्लिनिक है 3 से 5 सालों तक मैंने ओपन कर रखा है यहाँ पे। जो मेरी रजिस्टर्ड डिग्री है BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, जो कि RKD होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज से मैंने किया हुआ है, जो कि BHMS जो कि क्रोनिक डिसीज में कोई से भी पेशेंट अगर आ जाता है जो एलोपैथी से रिकवर नहीं हो पाता है, उसे हम एलोपैथी छोड़ के होम्योपैथी दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करते हैं, जो कि स्पेशली स्किन डिसीज में दी जाती है। अगर किसी पेशेंट को लंबे समय से कोई से क्रोनिक डिसीज है, जैसे दांत, खाज, खुजली, सोराइसिस वगैरह, ऐसी जो भी डिसीज पुरानी है जो लंबे समय से जा नहीं पा रहा है, किसी को लीवर सिरोसिस वगैरह हो रहा है जो नहीं जा पाता है, एलोपैथी यहाँ तक दे सकते हैं, हम दे सकते हैं, जितना प्रेस्क्राइब कर सकते हैं दवाइयाँ दे सकते हैं। उससे अगर पेशेंट रिकवर नहीं हो पाता है, पेशेंट को इमिडिएटली अगर आराम चाहिए तो एलोपैथी देना पड़ेगा, लेकिन क्रोनिक डिसीज में एलोपैथी वर्क कर नहीं पाएगी। उसी लिए हमने को ये एक BHMS की अपनी होम्योपैथी दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करते हैं। सर जिस प्रकार से आप वर्तमान समय को हम देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है एलोपैथिक दवाइयों से, उस ओर हम जो पहल कर रहे हैं एक आइए और होम्योपैथ को अपनाइए। एलोपैथिक दवाई लेने से गैस बनती है और लीवर से रिलेटेड लगभग बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती है, तो होम्योपैथिक अपनाने से क्या क्या फ़ायदे हैं, तो हमारे जो यूज़र्स है और जो पेशेंट्स हैं उनको आप समझाइए कौन कौन सी दवाई हमें किस टाइम लेनी चाहिए और किन दवाइयों का सेवन कम करना चाहिए। देखो मेरा मानना है कि जितने भी पेशेंट है, अगर एलोपैथी दवाइयों को क्या जितनी भी एंटीबायोटिक्स वगैरह आप दवाइयाँ लेते हो, लंबे समय तक अगर आप यूज करोगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट रहेंगे, उसके जो साइड इफ़ेक्ट रहेंगे बहुत ही हार्मफुल रहेंगे। वो क्या है कि जो अदर आप लीवर, किडनी, अदर जो भी ऑर्गन्स है उस पर क्या साइड इफ़ेक्ट रहेंगे इनके, जो कि बहुत ही हार्मफुल रहेंगे। अगर इन चीज़ों से आप निजात पाना चाहते हो, किसी को लंबे समय से यानी कोई क्रोनिक डिसीज है, बीमारी है लंबे समय से, तो उसके लिए आप होम्योपैथी प्रेस्क्राइब की। ये मेरा मानना ही है कि आप होम्योपैथी जो भी दवाइयाँ है वही प्रेस्क्राइब करिए और उसका नो साइड इफ़ेक्ट। आप कोई सिर्फ दवाइयाँ लोगों अगर वो वर्क नहीं कर पाएगी तो आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगी, आप लंबे समय तक कितने भी तक यूज कर सकते हो। सर होम्योपैथिक दवाइयों से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं और लगभग शायद बीमारियाँ जड़ से ख़त्म हो जाती है, जी ऐसा मानना है? जी बिल्कुल राइट। अगर आपको लंबे समय तक किसी पेशेंट को अगर दांत, खाज, खुजली, सोराइसिस, स्किन डिसीज या अन्य जो भी डिसीज है, अगर उसे लंबे समय से अगर हो रही है, अगर एलोपैथी से अगर देंगे ना तो वो तब तक ही रिकवर होगी जब तक कि आपकी दवाइयाँ चल रही है, वो फिर से आज होगी। वर्तमान स्थिति में एलर्जी से रिलेटेड, जैसे फंगल इन्फेक्शन हुआ, इससे रिलेटेड बहुत स्पीड तरीके से बीमारियां फैल रही है और लगभग वो एलोपैथ दवाइयां और अदर मेडिसिन से रिकवर नहीं हो पा रही है। इस कंडीशन में अपन होम्योपैथ की ओर बढ़ते हैं तो क्या रिज़ल्ट आ रहा है, आपको इस बारे में बताइए। रिजल्ट बल इसका बिल्कुल सोल्यूबल है, विथ इन 99.5% मैं आपको रिजल्ट बल सोल्यूबल दूंगा। स्पेशली अगर देखा जाए तो आपको स्किन डिसीज में अगर पेशेंट को दांत, खाज, खुजली जो लंबे समय से हो रही है, पेशेंट को बिल्कुल निजात नहीं हो पा रही है, उसके लिए एक मेरे पास मेडिसिन है, आप सल्फर भी आप दे सकते हैं 200। इसको वीकली आप प्रेस्क्राइब करो, इसके साथ भी अदर मेडिसिन वगैरह रहती है जो कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के आधार पर दी जाती है। पेशेंट से हम गाइड करते हैं, उसके लक्षण को लिए जाते हैं, उसके आधार पर हम ट्रीट करते हैं पेशेंट को, और जो कि ग्लूकोज के द्वारा उसमें मेडिसिन बना के प्रेस्क्राइब करते हैं जिससे पेशेंट को रिलीफ मिलता है। जैसे कि सर हम यहाँ पे कोटरी में आए हैं तो हमने बहुत सारी जगह एक दो जगह बात की, तो वहाँ से हमको ये रिज़ल्ट लेकर आए हैं हम आपके पास में कि गुरुवार
और अन्य दिन जैसे कि जो गुरु महाराज के यहाँ पे बहुत सारे पैरालिसिस रिलेटेड पेशेंट आते हैं उनकी भी सेवा आप करते हैं और बिना किसी शुल्क के आप वहाँ पे सेवा प्रदान करते हैं, बहुत सारे पेशेंटों की केयर करने जाते हैं वहाँ पे, विभिन्न प्रकार की देखरेख करते हैं, तो आपके द्वारा किसी प्रकार कोई शुल्क लिया जाता है या जैसे कुछ दवाइयों का शुल्क लिया जाता है, तो कहाँ तक किस हद तक ये बात सही है या आप खुद आपके मुँह से? नहीं, ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर समर्थ सदगुरु आश्रम गुरु महाराज जी हमारे मानगिरी जी महाराज जी यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट रहते हैं जो कि लगभग ग्रसित होते हैं, जो कि जिनकी लेफ्ट या राइट साइड यानी वीकनेस अगर हो जाती है, तो वहाँ पे जो भी मैं सेवाएं देने जाता हूँ, मैं काफ़ी सालों से मैं सेवाएं दे रहा हूँ, जो भी उनकी मेरी जो फीस है बिल्कुल निःशुल्क है जे कि, लेकिन कुछ जो दवाइयाँ है एलोपैथिक होम्योपैथिक जो दवाइयाँ है बस उन्हीं का क्या है शुल्क लिया जाता है, बाकी जो भी मेरी फीस है उसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है, बाकी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती है। जैसे कि होम्योपैथ में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं लंबे समय से और किसी भी प्रकार का क्लिनिक पे भी कोई भी शुल्क नहीं लेते, परामर्श शुल्क बिल्कुल नहीं है, ये गुरु महाराज के यहाँ पे भी जैसे सेवा के लिए जाते हैं तो बिना शुल्क के वहाँ पर लोगों को गाइड करते हैं और किस प्रकार से एक्सरसाइज करना, BPT करना, थेरेपी गाइड करके आते हैं, वहाँ पर लोगों को जागरूक करते हैं किस प्रकार से पेशेंट की केयर करना, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जानकारी हमें डॉक्टर दिलीप जी सोनकरा के माध्यम से मिली है। और आप भी होम्योपैथी की ओर बढ़िए और होम्योपैथी को समझिए किस प्रकार का ट्रीटमेंट है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बीमारियां से रिलेटेड अच्छे अच्छे रिजल्ट सामने रोज़ाना सामने आ रहे हैं, और स्किन से रिलेटेड जो भी बीमारियाँ है और गैस से रिलेटेड जो भी बीमारियाँ, लीवर इन्फेक्शन और लीवर से रिलेटेड गैस, एसिडिटी, फंगल इन्फेक्शन, इनका बहुत बेहतरीन रिजल्ट हमारे डॉक्टर दिलीप जी सोनगरा दे रहे हैं। तो आप आइए एक बार विश्वास का नया कदम चूमें और होम्योपैथी की ओर आगे बढ़े। थैंक यू।